हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, ये टेक चैनल का वीडियो है बट अपलोड ब्लॉग चैनल पर हो रहा है। इसके बारे में मैं कभी आगे बताऊंगा कि क्यों हो रहा है। फिलहाल अभी टेक चैनल पर 8-10 दिन वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। ये टेक चैनल का वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ब्लॉग चैनल पे। और इसके लिए भाई आप लोगों को पता है, इस चैनल पे मेरे 8-10 दिन तक कोई वीडियो नहीं आएगी। इसका रीजन क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैं इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ये कहना है भाई हमारे मनोज दे सर का, जिसको आप लोग अपना गुरु मानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनके टेक चैनल को छोड़ के इन्होंने अपने ब्लॉग चैनल पे ये वीडियो क्यों डाली, इसका कोई कारण हो सकता है। वो दोस्तों आप सभी को पता भी होगा कि मनोज दे सर के चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी है। मतलब आपको पता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, जो कि दोस्तों 7 दिन के लिए आती है। और अगर आप लोगों को पता है, इससे पहले अगर आप गलती करते हैं तो वहां पे आपको वार्निंग स्ट्राइक भी मिल जाती है। अब आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि दोस्तों ये जब से मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है, मेरा यूट्यूब करियर जहां तक पहुंचा है, इतने करियर के बीच में मनोज दे को आज पहली बार स्ट्राइक आई, जिससे उनके चैनल पे 7 दिन के लिए वीडियो अपलोडिंग बंद है। अब आप लोग हो गए होंगे शॉक। क्या दोस्तों आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने आपको पता 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि मनोज दे ने तिसा टैग क्वीन के लिए भाई कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई स्टोरी, कोई पोस्ट, कुछ भी नहीं डाला। और आप लोगों ने कुछ ने तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए कि हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि व्यूज के लिए आप कुछ भी कर रही हो। भाई व्यूज के लिए मैं नहीं कर रही हूँ। अगर मैं अपनी आवाज को आप तक पहुंचाना चाहूँ तो भाई कैसे पहुंचाऊंगी, वीडियो के जरिए ही तो पहुंचाऊंगी। अब आप लोगों को लगता है हर चीज यहाँ पे सब व्यूज के लिए कर रहे हैं, मतलब हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, हम चीज जो करते हैं वो व्यूज के लिए करते हैं, ये आप लोगों को कहना है। और भाई इस तरीके के फिजूल जो कमेंट जिन लोगों ने किए थे ना, उन लोगों का मेरा एक ही रिप्लाई है कि आप लोग जो मनोज दे का सपोर्ट कर रहे थे कि ये चीज गलत है, आप व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हो, उनके नाम से व्यूज ले रहे हो। तो क्लियर मैं आपको बता दूं कि मनोज दे ने जो अभी स्पॉन्सरशिप की थी एक बीच में, जिसका थंबनेल ये रहा दोस्तों, इस वीडियो में इन्होंने इंटीग्रेटेड एक ऐप का प्रमोशन किया था, जिसमें दोस्तों इन्होंने बताया था गेम प्रेडिक्शन के बारे में, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूट्यूब ने इन्हें कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे दी, जिसकी वजह से इनके चैनल पर 7 दिन के लिए वीडियो अपलोडिंग बंद हो चुकी है। अब दोस्तों मैंने उस दिन आप लोगों से वीडियो में बोला भी था कि जो जैसा करता है उसके आगे वैसा होता भी है। और दोस्तों भगवान का न्याय आप लोगों ने देख लिया, जिस दिन मैंने वीडियो बनाई उसके दोस्तों उसके बाद इनके चैनल पे स्ट्राइक आ गई है, और उसके बाद इनकी कोई भी वीडियो नहीं आई है। उस वीडियो में मैंने साफ साफ दिखाया था जहां तक की लास्ट वीडियो दिखाई थी, और उसी दिन का वही लास्ट वीडियो, उसके बाद इनका कोई भी वीडियो नहीं आया है। आप लोगों को पता है कि भाई आप कहीं से भी बच सकते हो, पर आप भगवान से नहीं बच सकते। जैसे आप लोगों को पता है कि भगवान हर व्यक्ति के लिए समान न्याय करता है, उसी तरीके से यूट्यूब भी सभी के लिए समान न्याय करता है, चाहे वो बड़ा क्रिएटर हो चाहे छोटा क्रिएटर हो। भाई यूट्यूब की जो पॉलिसीज हैं वो हर क्रिएटर के लिए इक्वल है। आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग कोई गलती करते हैं तो आपको भी यूट्यूब स्ट्राइक देगा, अगर बड़ा क्रिएटर कोई गलती करता है तो उसके लिए भी यूट्यूब स्ट्राइक देगा। और वही हुआ मनोज दे के साथ, और मनोज दे ने अभी तक क्लियर नहीं किया अपनी वीडियो के अंदर कि उनको स्ट्राइक मिल चुकी है, क्योंकि दोस्तों मेरे पूरे यूट्यूब करियर के बीच में ये मनोज दे के साथ पहली बार हुआ है, और ऐसा मैंने अपनी आंखों से पहली बार देखा है कि इनके चैनल पर 7 दिन तक कोई वीडियो नहीं आएगी। एक दिन दो दिन तो गैप हो जाता था, जैसे कि कभी इनकी तबीयत खराब है, कुछ भी है, तो इनका मतलब गैप हो जाता। पर दोस्तों 8-10 दिन गैप होने का रीजन आप समझ सकते हैं कि या तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इंसान के साथ, या मतलब उसके चैनल पर स्ट्राइक आएगी, तभी उसके चैनल की अपलोडिंग बंद होती है, अदरवाइज कोई भी मतलब रीजन नहीं है। और आपको पता है अगर किसी के साथ प्रॉब्लम होगी तो भाई हर चैनल पे वो एक्टिव नहीं रहेगा। ब्लॉग चैनल पे लगातार इनके ब्लॉग आ रहे हैं, टेक चैनल में वीडियो नहीं आ रही, इसका रीज़न क्या है, इससे सब पता चलता है कि मनोज दे के चैनल पे स्ट्राइक आ चुकी है। अब आप लोगों को पता है कि मनोज दे को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, आप लोग खुद बताओ, इतनी सालों से यूट्यूब पे काम कर रहे हो, आपको पता है 2-2.5 साल मुझे यूट्यूब पे काम करते करते हो गए, तब से यूट्यूब पे मनोज दे को कभी भी स्ट्राइक नहीं आई, और आज स्ट्राइक आई। क्या इन्हें पता नहीं था कि इससे स्ट्राइक आएगी? भाई 100% इनको पता होगा कि इससे स्ट्राइक आएगी, फिर भी इन्होंने पैसे के लिए उस स्पॉन्सरशिप को किया, और इनको पता था कि स्ट्राइक आएगी, और स्ट्राइक यूट्यूब ने दे दी, क्योंकि बहुत ही प्रिडिक्शन वाली, अगर आप गेम प्रिडिक्शन करके दिखाते हैं तो वहाँ पर यूट्यूब आपको 100% स्ट्राइक देता है। अगर आप लोग भी कोई ऐसी एप्लीकेशन का प्रमोशन करते हैं या करने जा रहे हैं कि जिसमें आपको प्रिडिक्शन करके दिखाना, तो ऐसी एप्लीकेशन से दूर रहो भाई। ऐसी एप्लीकेशन का अगर आप प्रमोशन करेंगे, यूट्यूब आपको तुरंत के तुरंत कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे देगा। पहली बार गलती करते हैं तो वार्निंग स्ट्राइक मिलती है, जिसमें आपके चैनल की जो अपलोडिंग होती है वो बंद नहीं होती है। उसके बाद अगर आपने कोई गलती की तो आपका चैनल 7 दिन के लिए बैन कर दिया जाता है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को देखे। और उसके बाद अगर वो 3 महीने में आपकी जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होती है वो रिमूव हो जाती है, और अगर आपने 3 महीने से पहले कोई और गलती कर दी उसके ऊपर से, तो आपका चैनल 15 दिन के लिए बैन कर दिया जाता है। अगर आपने उसी 3 महीने के अंदर तीसरी गलती कर दी तो वहां पर आप लोगों का चैनल है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है, यूट्यूब की तरफ से हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाता है।
तो आप लोगों को पता है कि मनोज देने भाई जानबूझ के ऐसा किया, इनको स्ट्राइक मिली, और आप लोगों में से कितने लोग सहमत हैं इनको स्ट्राइक मिली होगी, क्योंकि दोस्तों इसे साफ पता चलता है कि इनको स्ट्राइक मिली है, और इसे साफ मुझे भी पता है कि इनको स्ट्राइक मिली है। इस वीडियो का थंबनेल आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो पे भाई, अगर ये वीडियो अभी आप लोग जाके देखेंगे तो इनके यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगी। आज तक के यूट्यूब करियर में नहीं हुआ है कि मनोज दे ने अपनी कोई वीडियो को डिलीट किया हो, और ये पहली वीडियो इनके चैनल से गायब है। इससे क्या पता चलता है, साफ साफ पता चलता है कि यूट्यूब ने इनकी इस वीडियो को उड़ा दिया, गायब कर दिया। अब आप लोगों को पता है स्ट्राइक देके 7 दिन के लिए इनके चैनल को बिठा दिया। अब काफी लोग कह रहे हैं मनोज दे का चैनल खत्म हो गया, मनोज दे का चैनल डिलीट हो गया। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि डिलीट हो गया या खत्म हो गया। भाई 7 दिन के लिए स्ट्राइक आई, स्ट्राइक सबको आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान भगवान है या किसी से कोई गलती नहीं होती है, मनोज दे से भी गलती हुई है। और यहाँ पर या उन्होंने जानबूझ के उस स्पॉन्सरशिप को किया होगा, ज़्यादा पैसा मिलता होगा तो भाई इस वजह से इन्होंने रिस्क लिया होगा। पर दोस्तों गलती सबसे हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का चैनल खत्म हो गया, किसी का चैनल डिलीट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोग अपने मन से भाई ये गलत फहमी निकालो, और मनोज दे को 100% स्ट्राइक आई है, और ये दोस्तों 100% सच है। तो मेन रीजन है वो यही है कि भाई स्ट्राइक आ चुकी है। अभी आपको पता है कि स्ट्राइक से कोई भी नहीं बचता है, गलती सबसे हो जाती है, मुझसे भी होती है, बड़े बड़े यूट्यूबर से भी होती है, छोटे यूट्यूबर से भी होती है, और ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है टेक कैटेगरी में जो वार्निंग स्ट्राइक से बचाओ, क्योंकि जब वो यूट्यूब पे नया नया कदम रखता है तो भाई उसके वो कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जिससे उनको वार्निंग स्ट्राइक मिल जाती है। और वार्निंग स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे है तो अगर लाइफ में आपको कभी भी पहली स्ट्राइक मिलती है तो आपका चैनल 7 दिन के लिए हमें बैन कर दिया जाता है। 7 दिन तक आप उसमें कोई लाइव पोस्ट स्टोरी आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कोई वीडियो वगैरह नहीं डाल सकते। तो इसका आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर क्या हुआ है मनोज दे के साथ। तो उन्होंने अपने ब्लॉग चैनल पे डाल के बताया, पर उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि मुझे स्ट्राइक आई है, पर यहाँ पे ये सच है कि उनको स्ट्राइक आई है। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि इनको स्ट्राइक आई है इसीलिए इनके चैनल पे वीडियोज नहीं आ रही है। इसीलिए कहते हैं ना भाई, हमेशा समय का पहिया चारों ओर चलता है, भाई चारों ओर चलता है, आपके पास भी घूम के आएगा। इसीलिए कहते हैं कभी भी अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त है ना ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसीलिए आप वक्त पे कभी घमंड मत करो, ये अगर आपका कभी अच्छा चल रहा है कभी बुरा भी चल सकता है। इसीलिए भाई हमेशा ज़िंदगी में कब प्रॉब्लम आ जाए ये किसी को भी नहीं पता है। इसलिए आप लोगों को भाई जैसा है अपनी रियल लाइफ है उसमें रहो अच्छे से, और जो आप सोशल मीडिया पे हो ना उसमें भी थोड़ा सा मानवता बना के रखो, ताकि लोगों के दिलों में आपके लिए जगह बरकरार रहे। और थोड़ा सा भाई जो क्रिएटर हैं जिनके साथ प्रॉब्लम है थोड़ा सा उनकी हेल्प करने की भी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अपना मतलब काम में लगे हैं तो अपने ही काम में लगे, कोई क्रिएटर कितना भी दुखी है कितनी भी हेल्प मांग रहा है गिड़गिड़ा रहा है फिर भी आप उसकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इतना भाई घमंडी नहीं होना चाहिए हर इंसान को, हर इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर अभी भी इंसानियत जारी है, अभी भी इंसानियत कायम है। तो भाई इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि मनोज दे को स्ट्राइक मिली है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोग जो फिजूल वीडियोस बना रहे हैं ये चैनल खत्म चैनल डिलीट ये सब भाई फेक है और कुछ भी नहीं है, आप लोगों को मैंने क्लियर बता दिया। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।